मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, दिस इज धीरज चौहान। दोस्तों आज हम इलेक्ट्रिशियन हैंड टूल के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारे पास है कॉम्बिनेशन प्लायर। कॉम्बिनेशन प्लायर क्यों, प्लास क्यों, मातृभाषा में देख अपनी पहाड़ी भाषा में बोला जाए तो मैंने प्लास प्लास क्यों, प्लास की क्या वैल्यू है इलेक्ट्रिशियन के लिए। कॉम्बिनेशन प्लायर, पहला मतलब है कॉम्बिनेशन प्लायर, एक कॉम्बिनेशन प्लायर। कॉम्बिनेशन ही क्यों, कॉम्बिनेशन क्यों बोले, क्योंकि इससे बहुत चीज़ें, मैंने बहुत चीज़ों को किया जा सकता है, जैसे तार मरोड़ना, ग्रिपिंग करना, ट्विस्टिंग करना, ग्रिपिंग करना, ग्रिपिंग, ट्विस्टिंग, बेंडिंग, तभी इसको कॉम्बिनेशन, तभी इसका नाम कॉम्बिनेशन प्लायर है। प्लायर का मतलब स्मॉल ऑब्जेक्ट, छोटे चीज़ों को पकड़ना, स्मॉल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होल्ड, छोटी चीज़ों को पकड़ना। और ये स्टील के बने होते हैं, स्टील का बना होता है, स्टील के बने होते हैं, स्टील अरे बने रहे हों, स्टील के बने होते हैं। 200 mm, 150 mm और 300 mm तक होते हैं ये कॉम्बिनेशन प्लायर। ये है आपका कॉम्बिनेशन प्लायर, देख लो, देख लिया बाबू, ये तुम्हारा कॉम्बिनेशन प्लायर। इस एंड जिया प्लास्टिक का रहा, मुँह जिया हार्ड स्टील का, हार्ड बहुत ही मजबूत स्टील यूज किया जाता है इसमें। इससे तार यहाँ से ये जो खांचा है बना है, देखो बीच में ना खांचा, देखो आप यहाँ से जैसे पाइपें होंगी, छोटी छोटी पाइप, उनको मरोड़ना, तोड़ना, तोड़ भी सकते हैं पर। और हाँ एक गल आई, इसको थोड़ी की तरह यूज़ नहीं करना चाहिए, कई बार है जाए बिजली फिटिंग करना, हाँ या था थोड़ा नहीं होता है, मतलब छैनी के ऊपर यूज लेपे करना, या स्क्रू ड्राइवर लें वो जो छैनी बनाई दें और लेपे बाना सरी प्लास सरी, तो कभी भी इसरा यूज़ नहीं करना, इंजन करना यूज़, जहाँ थोड़े के यूज है वहाँ थोड़ा यूज करना, और जहाँ प्लास का यूज है वहाँ प्लास यूज करना, ये बात ध्यान में रख लेना। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास फ्लैट नोज प्लायर, वो भी विस्किया इसका ही तरह है। बस इसमें एक बात ये है कि इसकी नाक जो हुई ना, नाक थोड़ी फ्लैट हुई है, प्रैक्टिकल दी एक 150 mm दे, 200 mm दे, 300 mm तक के बने होते हैं। और प्लायर ये मैक्सिमम ज्वेलरी या आड़े जो हैं सुनियार सुनूर सह कर रहे हैं जो यूज़ फ्लैट नोज प्लायर। तीन है मोटर जनरेटर सेट, स्क्रू जो अंदर जाने जो हैं तिनको निकालना, उत्थे ये यूज़ होता नहीं है, मतलब कॉम्बिनेशन उत्ती फ्लैट चलें बिल्कुल फ्लैट, स्क्रू को आसानी से निकाला जा सके, जैसे मोटर स्क्रू जो हैं, जनरेटर स्क्रू जो हैं, उनके लिए फ्लैट नोज प्लायर यूज़ किया जाता है। और ये भी स्टील डरे बने हुए हैं स्टील। अब आपके पास है टॉपिक स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर भी वायरमैन इलेक्ट्रिशियन का सबसे अच्छा मित्र है, सबसे ही अच्छा दोस्त है स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर रुको मैं आपको दसा स्क्रू ड्राइवर कड़ा वहाँ, ये मेरे पास तीन स्क्रू ड्राइवर है, ये देखा, ये जो ITI देते हैं, ITI में मिले थे मुझे ये स्क्रू ड्राइवर, ये देखो ये बड़ा है, थोड़ा छोटा है, इससे छोटा है, ये एक निकालता हूँ, ये वो स्क्रू, ये इसकी टिप पॉइंट टाइम पर की हुई और पूरा स्टील डर बनी रहा, इसकी सेल लगी रहा प्लास्टिक करी स्टैम, मतलब प्लास्टिक करी स्लीप डाल रही हुई, मतलब इंजे काम कुम लगे करना लाइन के ऊपर, तो खुद ही हमारा हाथ टच हो यहाँ थे वाई फाइ, करंट ना लगे हमें लाइन के ऊपर, इसके यहाँ पे स्लीव डाली जाती है, वो इसमें स्लीव नहीं डाली इसमें। और ये हार्ड स्टील का बना होता है, थ्री फेस के लिए बना है, थ्री फेस का ये साइज है, थ्री फेस का, सिंगल फेस भी, सिंगल फेस का तो है ये, पर थ्री फेस पे भी कर सकते हैं इसको यूज हम। और ये भी स्टील का बना होता है, स्टील का बना होता है, और ये 100 mm, 150 mm, 300 mm या 200 mm तक हो सकते हैं। और इसी टिप जे करी ना डिपेंड, स्क्रू और गास करी डिपेंड, टिप आपकी टेम्पर अच्छी तरह है बिल्कुल, तो स्क्रू थोड़े ढंग ने खुल सकते हैं बिल्कुल उसके, ये जो एंगल होता है ना वो स्ट्रेट एंगल, ये भी स्क्रू पे, स्क्रू का वो नहीं होता है पार्ट, वो ऊपर वाला पार्ट उस पर डिपेंड करता है, अगर वो प्लस का है तो वहाँ पर प्लस का स्क्रू यूज़ करना, अगर फ्लैट हो तो फ्लैट ही स्क्रू, मतलब फ्लैट ही स्क्रू ड्राइवर यूज़ करना। टिप जे इसकी डिपेंड अपॉन, या इसको लिख लेना डिपेंड अपॉन स्क्रू,
स्क्रू किस टाइप का यूज कर रहे हो, लिख लो। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है लाइन टेस्टर। लाइन टेस्टर ये तो सबसे ही अच्छा, ये भी सबसे अच्छा दोस्त था। लाइन टेस्टर नहीं सुना, मुझे लगा टूट गया है मेरे से, तो मैं ऐसे बता देता हूँ आपको। लाइन टेस्टर ऐसे होता है, स्क्रू ड्राइवर की तरह ही होता है। मैक्सिमम वायरमैन इलेक्ट्रिशियन इसको अपने पास ही रखते हैं, क्योंकि ऐसे होता है इससे करंट का पता चलता है कि करंट कहाँ है। लाइन लाइन में करंट को देखा जाता है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा होता है और एक न्यू लैंप लगा होता है, और यहाँ पे स्प्रिंग होता है, और यहाँ से अर्थ कर दिया जाता है। ऐसे रेजिस्टेंस आपका 1 मेगा ओम तक हो सकता है, और लैंप आपका न्यू लैंप होता है, न्यू लैंप होता है जो 12 वोल्ट लेता है, 12 वोल्ट पे चलता है, 12 वोल्ट लेता है। मतलब न्यू लैंप इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि वो रेड लाइट देता है, और रेड लाइट का सबसे अच्छा रोल है इसमें, क्योंकि रेड लाइट इसलिए यूज़ की जाती है। हम क्यों नहीं कर सकते येलो लाइट, ग्रीन, इतनी लाइट है यार, ग्रीन लाइट क्यों नहीं कर सकते यूज़, व्हाइट लाइट क्यों नहीं कर सकते यूज़। रेड ही क्यों की जाती है यूज़ इसमें, क्योंकि उसकी वेव लेंथ जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी ना बाहर से, तो वो एक ही जगह इकट्ठी होगी, बिखरेगी नहीं, स्कैटर नहीं होगी, स्कैटर नहीं होगी। जैसे आसमान की लाइट है वायलेट, कितने बड़ा आसमान स्कैटर होता है ना स्कैटर। इसकी लाइट, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, वेवलेंथ मैक्सिमम होती है अप्रॉक्सीमेटली 700 नैनोमीटर, और स्कैटरिंग पावर इसकी कम होती है। और तभी आप देखना रोड के किनारे डेंजर सिग्नल लगे होते हैं, लिखा होता है ऐसे प्लस का निशान, कोई ट्रायंगल का निशान, रेड कलर के बनाए रहे हैं। क्यों, जैसे किसी सोर्स की लाइट पै पाऊंगी तीतीस घास, तभी चमकना ही की जगह यहाँ दो सियाणी से, तभी वो रेड कलर के बनाए जाते हैं, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पोकर। पोकर का क्या रोल है, इसको मैं साफ कर लेता हूँ, आप राइट डाउन कर लेना। पोकर का क्या रोल है, पोकर है आपके पास, ए या पोकर दिख लिया भाई, ए या पोकर, ए नहीं यार ना, जो यार जाना मात्र यार, ज्यादा ऐसे फैशनेबल नहीं, मैं तो फैशनेबल बोल रहा हूँ, ऐसे इतना खास नहीं है यार ये बना हुआ। ऐसे इसके नहीं भी ऐसे स्टील से, मैं मतलब मटेरियल भी ऐसे किया है यूज, वैसे बेकार सा। और ये भी स्टील का बना होता है, उसका हैंडल बैकलाइट का होता है, और जैसे किसी चीज़ को छेद करना, प्लास्टिक चीज वाली चीज़ को छेद करना, वुड वाली चीज़ को छेद करना के लिए यूज़ किया था। और ये भी 150 mm और 300 mm, 200 mm तक हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हैमर। हैमर ये है, हैमर, हैमर पहली बात किस चीज़ का बना होता है, हैमर है लिखेंगे, हैमर बना होता है आपका कास्ट आयरन। कास्ट आयरन हो गया, कास्ट आयरन कास्ट स्टील का बना होता है, और इनका वजन हम मतलब बेस में केजी में लेते हैं, केजी में, जैसे आधा केजी, 1 केजी, 2 केजी तक लेते हैं। और ये कीलों को ठोकने के लिए, कीलों को निकालने के लिए भी यूज किए जाते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ हैम्बर, हैमर है जैसे पहला हैमर है क्ला हैम्बर, क्ला हैम्बर, क्ला हैम्बर, देखा है आपने क्ला हैम्बर, देखा है यार, सभी ने देखा है क्ला हैम्बर कैसा होता है, सभी ने देखा है क्ला हैम्बर। मैं खोखलने वास्ते जो ऐसे लग रहे हो, दो आगे से ऐसे मुंह लगे होते हैं खांचे टाइप, वो ऐसे निकालते हैं मेखों को, इस टाइप को होता है यार, ऐसे होता है, ऐसे लगे होते हैं दो मुंह, और पीछे से इतनी बड़ी बाल होती है, और ऐसे होता है, ऐसे यहाँ से मेखों को निकाला जाता है, इसको बोलते हैं क्ला हैम्बर, नेल्स को निकालने वास्ते। दूसरा है आपका क्रॉस पिन हैमर, क्रॉस पिन, पिन हैमर, दिख रहा क्रॉस पिन हैमर, देखा है आपने क्रॉस पिन, मैं बताता हूँ लोगों, ए क्रॉस पिन हैमर दिख लिया, ए ए सरी क्रॉस ही, ए क्रॉस पिन हैमर देख लो, दिखा क्रॉस पिन हैमर, मतलब चीज़ों को निकालने, जैसे कारपेंटर जो है ये लकड़ी लुकड़ी फंसी थोड़े खरोंच खांच, कुछ चीज़ें साफ करनी हो उसके लिए हमें मतलब क्रॉस पिन हैमर यूज़ किया जाता है। जैसे कोई चीज़ खरोचनी,
कारपेंटर मैक्सिमस हैमर रख रहे हैं यूज, लिख लिया। नेक्स्ट है आपके पास है बॉल पिन हैमर, बॉल इसी पिन बाल होती है, देखना आपने। ये आपका बॉल पिन हैमर देख लो, ए ए इसकी बाल है देख लो, ऐसे होते हैं बॉल पिन हैमर। नेक्स्ट है आपके पास स्लैज हैमर, स्लैज हैमर देखा है आपने। आ तो ये सारे दिखे रहा स्लैज हैमर केड़ा वहां गाने दिखे रहा कि सरी सुरी है बढ़ना काटना सरी है, तो बड़े बड़े काना ले आए तू तू बोले स्लैज हैमर, बड़ा हथौड़ा गन टाइप उसे तो बोले स्लैज हैमर। अब आपके पास है चीजल, चीजल नहीं है मेरे पास, और ये भी कास्ट एंड कास्ट स्टील का बना होता है याद रख लेना। और नेक्स्ट है आपके पास है चीजर, चीजल भी यार ऐसी होती है चीजल, हाई स्पीड स्टील की बनी होती है और इसकी शेप ऑक्टागनल होती है, ऑक्टागनल ऑक्टागनल शेप होती है इसकी, और 18 mm, 200 mm और 25 mm, 200 mm तक होती है ये अभी इस चीज हो। तुम्हारे पास होने को पिंसर, पिंसर बड़े लें पिंसर, ए है पिंसर, ए पिंसर, पिंसर पता क्या हुआ जमूरा, ये भी कीलना जो निकालने वास्ते, नेल्स मूव आउट, नीलना जो बाहर निकालने वास्ते मैं एक खबरने वास्ते, रुको मैं बताता हूँ पिंसर कैसा। ए हाँ पिंसर है ये जमूरा, छोटा जहा मुझे ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा क्वालिटी नहीं अपनी, कि स्टील मतलब कि कौन सा मटीरियल यूज़ किया मेरे को पता है, सब स्टील ही आयरन वगैरह किया हुआ यूज, जंग ने खा लिया पूरा। तो ये है आपका, और ये भी जमूरा बोलने हैं मतलब नेल नालना खोलने वास्ते, और ये भी 150 mm, 200 mm, 300 mm तक होते हैं। और आपके पास जैसे सा होगी, आरी, आरी आरी नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको, अब बढ़ा देता हूँ हेक्सा ब्लेड के बारे में, लास्ट टॉपिक हेक्सा ब्लेड, हेक्सा ब्लेड। और ये कार्बन स्टील दबानी रहूँगी, कार्बन स्टील, और ये मैक्सिमम 200 mm टू 300 mm तक कुएं, और मैं एक चीज बताता हूँ, ये आपका हेक्सा ब्लेड, इसमें 25 से 30 दांते जो हैं पर इंच में, 21 इंच 25 से 30 दांते होते हैं, टीथ होते हैं, और पीच जो होती है ना पीच वो बीच में होती है, जैसे एक ये देखो पीच ये है, ये आपकी पीच है, जैसे एक ब्लेड है, एक ब्लेड का हिस्सा है दूसरा, उसके बीच में जो गैप है ना उसे हम पीच कहते हैं। और ये हार्ड स्टील का बना होता है, एक किसका बना होता है कार्बन स्टील का बना होता है, 200 mm, 300 mm तक हो सकते हैं। तो दोस्तों आज तक आज मैं इतना पढ़ाऊंगा, क्योंकि कल से मैं हर टॉपिक को मतलब जैसे फाइल है जो अगर अगर हम फाइल के बारे में पढ़ेंगे तो उसको मैं पूरा टॉपिक बताऊंगा, उसके टाइप्स बताऊंगा। और प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक कर देना। गुड डे।